हेलो गाइस, मेरा नाम है रविंद्र और मैं हूँ आपका म्यूज़िक कोच। ये हमारा सेकंड लेसन है गिटार बिगनर सीरीज़ का। इसमें हम समझेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ गिटार, गिटार कितने टाइप के होते हैं। तो मोस्टली आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक गिटार एंड एकोस्टिक गिटार दो ही तरह के गिटार होते हैं, बट इसके अलावा भी काफ़ी टाइप के गिटार होते हैं। तो आपको आप काफ़ी डिफरेंट टाइप के गिटार देखने को मिलेंगे आज। तो पहला एकोस्टिक गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार, इलेक्ट्रो एकोस्टिक गिटार, 12 स्ट्रिंग गिटार, आर्च टॉप गिटार, स्टील गिटार, रेजोनेटर गिटार, बेस गिटार, डबल नेक गिटार। तो आपने जो आपको जो सारे नाम दिख रहे हैं तो आपने शायद कुछ गिटार को देखा भी होगा, बट मैं सारे इमेजेस आपको दिखा दूंगा तो आप समझ जाओगे कि ये गिटार किस तरह का इनका लुक होता है। तो पहला देखते हैं एकुस्टिक गिटार। तो एकुस्टिक गिटार भी दो टाइप के होते हैं, उसमें भी कि एक स्टील स्ट्रिंग गिटार होता है और सेकंड नायलॉन स्ट्रिंग गिटार होता है। तो स्टील स्ट्रिंग गिटार कॉमनली यूज़ होता है, एंड नायलॉन स्ट्रिंग गिटार जिसको एक क्लासिकल गिटार भी बोलते हैं, उसमें स्ट्रिंग नायलॉन के होते हैं। तो दोनों का मेटल डिफरेंट है, तो दोनों में स्ट्रिंग के लिए जो मटेरियल यूज़ किया है वो डिफरेंट है, तो इसलिए साउंड भी इन दोनों का टोन थोड़ी सी चेंज होती है, तो दोनों का साउंड भी वेरी करता है। और जो बेसिक फंडामेंटल्स है दोनों गिटार के सेम होते हैं, बस स्ट्रिंग डिफरेंट होते हैं, और क्लासिकल गिटार का फ्रेट्स थोड़े उनका विड्थ थोड़ा बड़ा होता है। सेकेंड इज इलेक्ट्रिक गिटार। इलेक्ट्रिक गिटार भी मैंने आपको फर्स्ट लेसन में बताया था कि इलेक्ट्रिक गिटार भी बेसिक्स सेम ही होते हैं एकॉस्टिक गिटार जैसे, बट उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि साउंड होल ना होके उसमें पिकअप्स होते हैं और उसको कॉर्ड के थ्रू एम्पलीफायर से प्ले कर सकते हैं। थर्ड इज इलेक्ट्रो एकॉस्टिक गिटार। अभी इलेक्ट्रो एकुस्टिक गिटार आपको देखने में बिल्कुल एकुस्टिक गिटार जैसा लग रहा होगा, बट उसमें वो एक्चुअली एकुस्टिक गिटार ही है, बस उसमें एक एक्सटर्नल पिकअप लगा होता है। उसका काम क्या होता है कि हम इस एकुस्टिक गिटार को भी हम कॉर्ड के थ्रू एम्पलीफायर से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर उसको आप कॉर्ड के थ्रू प्लेनिंग करेंगे तो बिल्कुल वो एकुस्टिक गिटार के जैसे ही वर्क करेगा, और आप कनेक्ट करेंगे तो फिर आप उसको उसके साउंड को भी एम्पलीफाई कर सकते हो, जो कि शोज़ वगैरह में जब प्ले करते हैं तो अब वहाँ पे आपको साउंड को एम्पलीफाई करना पड़ता है। वैसे एकुस्टिक गिटार का साउंड तो इतना ज़्यादा होता नहीं अगर आप जब परफॉर्म करेंगे। तो फोर्थ इज़ बेस गिटार। तो बेस गिटार के नाम से आपको लग रहा होगा बेस नोट, बेस नोट मतलब लोअर नोट। तो इसमें जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो काफ़ी थिक होती हैं, इसलिए वो लो नोट प्रोड्यूस करती हैं, लो फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करती हैं, और इसका स्ट्रिंग ऑर्डर भी एकुस्टिक गिटार एंड इलेक्ट्रिक गिटार के जैसे ही होता है। तो जो एकुस्टिक एंड इलेक्ट्रिक गिटार के ऊपर के चार स्ट्रिंग होते हैं ना, वो ही केवल इसमें स्ट्रिंग होते हैं, तो वही चार स्ट्रिंग बेस गिटार में होते हैं, बट इनका थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो थिकनेस ज़्यादा होने के कारण वो काफ़ी बेस साउंड प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए उसको बेस गिटार बोलते हैं। और ये भी दो तरह के होते हैं, ये इलेक्ट्रिक बेस गिटार भी होता है और एकुस्टिक बेस गिटार भी आता है। एंड देन 12 स्ट्रिंग गिटार, ये मे बी काफ़ी कम लोगों ने देखा होगा। 12 स्ट्रिंग गिटार में 12 स्ट्रिंग्स होती हैं, ये आप ट्यूनिंग कीज़ भी देखोगे तो ट्यूनिंग कीज़ भी 12 हैं, ऊपर 6 एंड नीचे 6। तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट आप नॉलेज के लिए जान सकते हो। एंड एक गिटार होता है डबल नेक गिटार। डबल नेक गिटार ये भी शायद आपने देखा होगा, या फिर किसी ने शायद होटल कैलिफोर्निया या फिर जो पहले के गाने सुने हैं उसमें बैंड वगैरह में यूज़ होता है, मतलब हुआ है ये गाना, मैंने देखा है काफ़ी। तो इसमें देखोगे कि एक ही बॉडी है बट दो नेक एक ही बॉडी को शेयर कर रहे हैं, तो ये डबल नेक गिटार है। तो गाइस, इतने तरह के गिटार होते हैं जो मैंने आपको आज वीडियो में बताया। आपने कुछ गिटार को देखा भी होगा पहले और कुछ को नहीं देखा होगा, तो आप आज उनके बारे में पता चला होगा। तो होप यू लाइक द वीडियो एंड आपको समझ आया होगा जो मैंने बताया। नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली वो है हाउ टू चूज़ अ गिटार। तो ऑनलाइन पे है मेनली वो, कि आप ऑनलाइन अगर गिटार खरीद रहे हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो मैं कल अपलोड करूँगा। सो स्टे ट्यून एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।